मैं तुम्हें मना भी किया था घर आने से। तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम सोच लेना रमन, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, जाओ अभी यहाँ से। को नहीं लग रहा कि गलत हो रहा है? मेरे बच्चों ने मुझे कुछ और सोचने के काबिल ही कहां छोड़ा है। गलतियां सबसे होती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। वो सरमद आप ही तो उम्मीद को पूरे एतमाद और बहादुर बनने का सबक देते थे। पर कि मैं थी जो हर वक्त डरती रहती थी कि कहीं उम्मीद को कुछ हो ना जाए। अब इस तरह उम्मीद की जबरदस्ती शादी करके आप उसकी खुद एतमादी छीनना चाहते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते। वो हमेशा वो कदम उठाते हैं जिनसे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। सही गलत की तमीज सिखाते हैं, मगर जब बच्चे ही सही गलत की तमीज भूल जाए तो क्या करें माँ बाप को? क्या करें? मैं मानती हूँ, मगर प्लीज आप उम्मीद को इतनी बड़ी सजा मत दें। आप गुस्से में गलत फैसला कर रहे हैं। यही उसके हक में बेहतर है। And it's the right time now, she should get married. जितना जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन सर, मैं एक बार तो उससे पूछ लें कि वो शादी करना चाहती है या नहीं। अगर वो ये हरकत ना कर तो मैं कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ ये फैसला ना लेता। लेकिन आप, हम जो फैसला करेंगे उसे मानना होगा। बच्ची है सर, और मैं बाप हूं उसका। मैं जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा। बेकदर, हाँ बेकदर तू, बेकदर, हाँ बेकदर।